हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे है ना? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? आज टू लेटर वर्ड सीखने वाले हैं, है ना? तो हम लोगों ने पिछली दो क्लास में टू लेटर वर्ड सीखने शुरू कर दिए हैं। हम दो अक्षरों को मिला के एक शब्द बना लेते हैं, है ना? तो अभी आज हम ऐसे ही कुछ नए शब्द बनाएंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से शब्द सीखे। पहली बार हमने सीखा था फल, फल मतलब फल, ठीक है? फिर कप, कप है ना? फिर जग। उसके बाद पिछली क्लास में क्या सीखा? घर। क्या सीखा? घर। चक। और तीसरा सीखा था खत, है ना? इतने लेटर वर्ड्स हमने सीख लिए थे। तो अभी कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। तो आप लोगों को नया वर्ड सीखना है तो ध्यान इधर दोगे। कैसे, कौन सा वर्ड सीखते हैं आज? आज सीखते हैं रथ। तो शुरू करते हैं, ध्यान इधर दोगे। हमारे पास र से रथ वाला र है ना? हम लोग र से रथ ऐसा बोलते थे ना, तो अभी रथ लिखना सीखेंगे। तो र है, उसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? थ ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा? र है, उसमें थ को ऐड करते हैं तो नया शब्द बन गया रथ। रथ मतलब घोड़े वाला, है ना? तांगा जो होता है उसको क्या कहेंगे? रथ। रथ, र था उसमें थ को ऐड किया तो क्या बना? रथ। र है प्लस थ तो क्या बना? इज इक्वल टू रथ। र में थ को मिला दिया तो नया शब्द बन गया रथ, ठीक है? एक और वर्ड मैं सिखाती हूँ। न है हमारे पास, क्या है? न। न से नल ऐसा बोलते थे, तो न में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? ल को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? न है, उसमें ल को ऐड करते हैं तो वेरी सिंपल। आपको पहले न है तो इधर न लिख देना है, और ल है तो इधर पीछे ल लिख देना है, तो क्या बन गया? न ल, न प्लस ल इज इक्वल टू नल। क्या बना? नल। यही तीसरा एक और वर्ड सीखते हैं। ब है, ब में क्या ऐड करते हैं? श को ऐड कर देते हैं। ब है, उसमें हम लोग स को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा नया वर्ड? ब स, बस। ब है, उसमें स को ऐड किया तो क्या बना? बस। आप बस में बैठ के स्कूल जाते हो ना, तो ये वही लिखा मैंने, बस। ब था, उसमें स को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? बस। हो गया। अभी इसको हम लोग अपनी नोटबुक में लिखना सीखेंगे। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक निकाल लेनी है और शुरू करना है। कैसे लिखना है? हर बार की तरह हम लोग अपनी नोटबुक में लाइन बना लेंगे। कैसे लाइन बनाते हैं? बीच में दो लाइन बना लेंगे तो तीन लाइन बन जाएगी, जिसमें हम आसानी से अपने तीन वर्ड्स लिख सकते हैं, है ना? तो एक लाइन ऐसे बनाया, फिर दूसरा लाइन, तो दो लाइन बना लिया तो तीन बॉक्स बन गए। अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं? हमारे वर्ड्स जो सीखे उसको कैसे नोटबुक में लिखना है वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन में रथ,
तो र लिखा, उसमें थ लिख दिया, साथ में ऊपर जीरो रेखा एक ही बनाएंगे पूरी, दोनों को साथ में जोड़ के क्या बना, र थ। फिर एक बार लिखते हैं, र है पीछे थ लिख दिया, ऊपर स्लीपिंग लाइन पूरा एक बनाएंगे, दो अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्या बना, रथ। एक बार फिर देख लो, र है उसमें थ लिख दिया पीछे, तो क्या बना, रथ। ध्यान से पहले र को लिखेंगे, फिर थ लिख देंगे पीछे, ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, तो क्या बना शब्द, रथ। क्या पढ़ेंगे इसको, र उसमें थ को ऐड किया तो क्या बना, रथ। है ना इजी? आप लोगों को पूरा लाइन ऐसे ही लिख देना है और बोल बोल के लिखना है ताकि आपको पढ़ना आ जाए। क्या लिखा आज, रथ। तो रथ को ऐसे ही बोलते जाओगे और लिखते जाओगे, रथ ऐसे पढ़ना है और लिखना है। फिर दूसरी लाइन में नया वर्ड लिखते हैं, लिखते हैं न प्लस ल, यानी कि नल। न और पीछे ल लिखा तो नल, क्या बना, नल। एक बार फिर लिखते हैं न ल, नल। क्या पढ़ेंगे इसको, नल। हमारे पास न है पीछे ल लिखते हैं तो क्या बना, नल। नल, नल। क्या पढ़ेंगे इसको, नल। ठीक है, ऐसे ही फिर लिखते हैं नल, नल। ऐसे ही आप लोगों को पूरा लाइन बोल बोल के लिखना है। दो लेटर के बीच बहुत जगह नहीं छोड़नी है, वरना लेटर्स बन जाएंगे। हम शब्द लिख रहे हैं यानी कि वर्ड्स लिख रहे हैं, तो दो लेटर एक साथ लिखेंगे। पूरा लाइन नल का फिनिश कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो आपको पढ़ पढ़ के ही लिखना है। क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, नल। ऐसे एक एक लेटर पढ़ के फिर पूरा साथ में पढ़ना है, नल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा, ब उसमें स, बस। क्या बना, बस। एक बार फिर लिखते हैं, ब है पीछे स लिख देते हैं तो क्या बनेगा, बस। बस ऐसे पढ़ना है, समझ आ रहा है। एक बार फिर लिखते हैं, ब है पीछे स लिखते हैं तो क्या बना, बस। ब है पीछे स लिखा, बस। ऐसे ही पढ़ना तो समझ में भी आएगा और आसानी से पढ़ना भी आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, ब पीछे स, ऊपर जीरो रेखा एक ही बनाएंगे, ब स, बस। ऐसे ही पूरा लाइन आप लोगों को फिनिश कर लेना है पढ़ पढ़ के, ठीक है, और लिख लेना है। तो आज हमने तीन वर्ड्स और सीखे, कौन कौन से, मेरे साथ पढ़ोगे फिर अपनी बुक में कॉपी करोगे, ठीक है। रथ, न ल नल, न ल नल, बस। आप लोगों को भी ऐसे ही एक एक लेटर पढ़ना है पहले और फिर पूरे दो लेटर को एक साथ बोलना है, तो आपको पढ़ना आसानी से आ जाएगा, ठीक है।